आज मैं मेरी फेवरेट केक बना रही हूँ। मैं आज बना रही हूँ एगलेस टी टाइम ड्राई फ्रूट केक, और ये केक को मैं बना रही हूँ मेरे नए इनबिल्ट कैफ ओवन में। केक बनाने से पहले बहुत ज़रूरी है ओवन को प्रीहीट करना, तो मैं सबसे पहले ओवन को प्रीहीट कर लेती हूँ। ये वाली केक बेक होने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 मिनट्स लगेंगे और 10 मिनट्स प्री हीटिंग, तो मैंने 40 मिनट पे टाइमर को सेट कर दिया है। तो केक बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये एक कप दूध ले रही हूँ, और ये रूम टेम्परेचर वाला दूध है, और उसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ 1.5 टेबल स्पून ये नींबू का रस। ये देखिए, जैसे ही आप नींबू का रस ऐड करेंगे ना, ये दूध ऐसे हल्का हल्का सा फटना शुरू हो जाएगा। एग्जैक्टली हमें यही कंसिस्टेंसी चाहिए दूध की। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, आप अपनी पसंद के हिसाब से ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। मैंने थोड़ी सी बादाम ली है 8 से 10, 8 से 10 काजू लिए हैं, और पिस्ता थोड़े से ज़्यादा लिए हैं, आप अपने हिसाब से ये एडजस्ट कर सकते हैं। और ये मैदा लेके मैं थोड़ा सा ड्राई फ्रूट पे डस्ट कर दूँगी। ये मैदा डस्ट करने से ड्राई फ्रूट केक के अंदर नीचे नहीं बैठ जाएंगे। अब यहाँ पे मैंने ये 1.5 कप मैदा लिया हुआ है। आप चाहो तो ये केक आटे से भी बना सकते हो या हाफ एंड हाफ भी कर सकते हो। और ये 1.5 कप मैदे में मैं ऐड कर रही हूँ ये 8 से 10 इलायची का पाउडर, ये बहुत अच्छी फ्लेवर देगा केक को। और अब मैं ऐड कर देती हूँ 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर एंड 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। अब ये सारे ड्राई इन्ग्रीडियंट को मैं एक बार अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। अब एक बड़े से बोल में मैं 1/2 कप ऑयल ले लेती हूँ ओडरलेस, और ये मेरे पास 1 कप आइसिंग शुगर है, वो भी ऐड कर देते हैं ऑयल में। आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप घर की पीसी हुई शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बस उसको 1 या 2 बार छान लीजिएगा। और अब ऐड करते हैं ये नींबू का रस ऐड किया हुआ मिल्क, और ये 1 कप कर्डल किया हुआ मिल्क के अलावा मेरे पास 1/3 कप एक्स्ट्रा दूध है, वो भी मैं इसमें ही मिक्स कर दूंगी। अब सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और अब लास्ट में इसमें ऐड कर देते हैं मैदा। बैटर को अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं। आप चाहो तो इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से भी कर सकते हो, पर वैसे इलेक्ट्रिक बीटर की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है इसमें। ये देखिए, अब ये बैटर तो बनके रेडी हो चुका है, बस यही टाइम पे मैं इसमें ये ड्राई फ्रूट्स ऐड कर देती हूँ। थोड़े से पिस्ता ऐड करेंगे, कटी हुई बादाम, थोड़े से काजू। ये ड्राई फ्रूट्स को एक बार मिक्स कर लेते हैं बैटर में, और तुरंत ही ये बैटर को मैं पोर कर दूंगी ये वेल ग्रीस्ड किए हुए बेकिंग टिन में। ये केक में ऊपर से भी थोड़े से ड्राई फ्रूट मैं ऐड कर देती हूँ, और अब हम रख देते हैं बेक करने के लिए। कैफ के ये ओटीजी ओवन में मल्टीपल फंक्शन है, जो कि कुकिंग, बेकिंग एंड ग्रिलिंग को बहुत ही आसान बनाता है, और इसकी कैविटी इतनी अच्छी है कि इसमें आप बड़ी साइज का बेकिंग भी कर सकते हो। और कैफ के ये ओवन में जो दूसरे ओवन में बाहर गर्मी हमको फील होती है ना, ये भी बिल्कुल भी नहीं होती है, बिकॉज ऑफ द ट्रिपल लेयर ग्लास डोर। चलिए एक बार चेक कर लेते हैं, 30 मिनट्स हो गई है, केक अच्छे से बेक हो गया, दिख भी रहा है। मैं ओवन से निकाल लेती हूँ। केक तो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है, मैं साइड्स इसकी रिलीज कर लेती हूँ ताकि अच्छे से डीमोल्ड कर पाए। तो लीजिए, तैयार है सुपर टेस्टी एगलेस टी टाइम ड्राई फ्रूट केक। टू गुड, सुपर मॉइस्ट, बहुत ही अच्छी बेक हुई है, जो कलर आया है वो भी बहुत एडमिसिंग है।